I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं गई थी एक फूड फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, तो सोचा क्यों ना इस पे व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि यूके में फूड फेस्टिवल कैसे लगते हैं। और जनाब कहा जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फूड फेस्टिवल इन होल वर्ल्ड, मतलब ये यूके का और यूरोप को तो है ही है, लेकिन कहा जाता है कि पूरी दुनिया का भी बिगेस्ट हलाल फूड फेस्टिवल है। इस फूड फेस्टिवल की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे जितने भी तरह के फूड अवेलेबल होते हैं स्टॉल्स पे, वो सारे के सारे हलाल होते हैं। सो जनाब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे मैनचेस्टर फूड फेस्टिवल में। हमने गाड़ी पार्क कर दी है बहुत दूर और अब हम चल रहे हैं पहिया यहाँ से, और न जाने कितना दूर चल रहे हैं। अभी सुना है कि काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई है, लेट्स सी ये कितना लंबा रास्ता है अभी आगे। अच्छा, इस फूड फेस्टिवल में एंट्री फ्री नहीं थी, हमने पर पर्सन पर एडल्ट पे किए थे £10 ईच, और अंडर 5 फ्री थे, लाइक ज़ैद फ्री गया था, बट नाइल के हमने पे किए थे £5 फॉर अ चाइल्ड। अच्छा, बिल्कुल एंट्रेंस पे ना यहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी थी, और ये इसलिए खड़ी हुई थी खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई मिसअप हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो फौरन ये लोग यहाँ पे ना उनको ना सर्विस प्रोवाइड करें। और मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ये प्रिकॉशंस पहले से लेके रखी हुई हैं। और यहाँ से एंट्रेंस है, अब देखते हैं क्यू कितनी लंबी है। सुना है काफ़ी लंबी क्यू है, लेट्स सी। थैंक यू। अच्छा जी, हमें बताया गया है पीछे से कि लॉन्ग क्यू नहीं है, काफ़ी शॉर्ट क्यू है, क्योंकि ये लास्ट स्लॉट है। हमने 4 से 8 का करवाया था स्लॉट बुक, सो इसीलिए करवाया था क्योंकि ठंडा टाइम है, गर्मी बहुत थी कल से, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, सो खुशी है कि यार ज़्यादा क्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ टिकट्स के लिए 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक था फास्ट ट्रैक, दूसरा था स्टैंडर्ड टिकट्स। हमने स्टैंडर्ड लिए थे क्योंकि फास्ट ट्रैक वॉज बिट एक्सपेंसिव फॉर मी। और ये नाइल साहब भागते हुए जा रहे हैं, इन्हें ज़्यादा शौक चढ़ा खाने का, खाना तो क्या ही वैसे इस बच्चे ने। अच्छा जी, यहाँ हमें अपने टिकट दिखाने, देन एंट्री देंगे अंदर। सो यहाँ पे हमारे टिकट्स हैं, अगर आप देख सकें। अच्छा, आई मस्ट से कि इवेंट काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था, मतलब प्रॉपर एक सिस्टम से चीज़ें चल रही थी। अब जब हम अंदर गए तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी पेपर बैग्स लेके, पहले तो मुझे समझ नहीं ये दे क्यों रही है, लेकिन बाद में एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया कि इसने इसलिए दिए हैं कि भाई अगर आप वहाँ पे फूड वगैरह लेते हो कुछ बच जाता है, तो आप ईजिली इसके अंदर ना डाल सकते हो, घर लेके जा सकते हैं साथ। और यहाँ पे साथ ही ना उन्होंने एक काउंटर बनाया था जहाँ पे एंट्री होते साथ ही ना आपकी आपने जाना था और आपने यहाँ से बैंड्स लेने थे, और ये बैंड्स आपके बच्चों को पहना रहे थे, इनकेस वो खुदा ना खासा खो जाते हैं तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो, इन बैंड्स के ऊपर पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ था विद देयर फोन नंबर, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बात, क्योंकि जब इस तरह के एक ह्यूज लेवल पे इवेंट्स हो रहे होते हैं तो बच्चे आसानी से खो जाते हैं। आपको पता है रश बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे आपका हाथ छुड़ा के कब भागते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इस इवेंट की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ज़्यादातर यहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। मुझे याद है मैंने ऐसे एक इवेंट पाकिस्तान में अटेंड किया था, कराची के अंदर फूड फेस्टिवल ही था वो भी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे उस वक्त ना सिंगल लड़के ही लड़के थे या लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, फैमिलीज़ वहाँ पर नहीं थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना अब सोच के बुरा लगता है कि यार हमारे यहाँ क्यों नहीं प्रमोट किया जाता ऐसे इवेंट्स कि जहाँ पर फैमिलीज़ अपने बच्चों को लाने में कंफर्टेबल फील करें, जबकि यूके के अंदर ऐसे इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाना पसंद करते हैं, मतलब लोग एक्स्ट्रा टाइम निकलते हैं। इस वक्त वर्किंग आवर्स थे लेकिन स्टिल मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया, फिर हम गए यहाँ पर, क्योंकि हमें होता है यार वैसे तो कहीं आना जाना होता नहीं, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं तो आपके बच्चों का भी दिल लग जाता है, जरा आपको भी एक डिफरेंट माहौल मिलता है बाहर, इसलिए हमारी भी कोशिश होती है कि अगर ऐसे कोई इवेंट्स नियर बाय हो रहे हैं तो हम जरूर जाएं अपने बच्चों को लेके, बल्कि ऐसे इवेंट्स हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए साल में एक दफा जरूर अरेंज करती है। अच्छा, जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज होती है उन तमाम बिजनेसेस के लिए, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे शहजान था, यहाँ पे शान भी मौजूद था, जिनको किसी किस्म की मार्केटिंग की जरूरत नहीं, बट स्टिल दे वर हेयर टू प्रमोट देयर बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह अरेंजमेंट्स थी, लेकिन इंडोर जो थी वो ज्यादातर फूड सैंपल्स और कपड़े वगैरह थे, आउटडोर वो था जहाँ पे कुकिंग वगैरह हो रही थी, और कुछ फूड सैंपल्स तो काफी अच्छे थे लेकिन कुछ ज़रा ओके ही थे।
सो जनाब मैं बात करती बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यार हम डिपेंडेंट वीज़े पे आए हुए हैं, हम यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, कोई बिज़नेस नहीं किया जाता, क्या बिज़नेस करें क्या नहीं करें। मैं कहती हूँ फूड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिज़नेस इन यूके, स्पेशली इन यूके। अगर मैं यूके की बात करूँ, वैसे तो मुझे लगता है दुनिया भर में फूड का बिज़नेस कामयाब है, लेकिन यूके के अंदर इस तरह के बिज़नेस बहुत कामयाब है। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं आप देखें, हालांकि फूड का मतलब वो है इवेंट, लेकिन यहाँ पे हर तरह के लोग थे। मतलब कुछ लोग ज्वेलरी बेच रहे थे, कुछ लोग अबाये बेच रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्कार्फ बेच रहे थे। बट इस तरह के इवेंट्स ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होते हैं कि आप एक वक्त में हज़ारों लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वरना आप पेड प्रमोशन जब ले रहे होते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो भी वो इतनी ज़्यादा लोगों को रीच नहीं मिलती जितनी रीच आपको यहाँ पे मिलती है। तो हमेशा अपने इर्द गिर्द देखते रहा करें, गूगल पे सर्च करते रहा करें कि आपके नियर बाई ऐसे इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं जहाँ पे आप अपने जाके स्टॉल लगा सकें, क्योंकि स्टॉल्स की बहुत कम ये फीस ले रहे होते, बिकॉज इन्होंने भी इवेंट किया होता है, जाहिर सी बात है पैसा लगाया होता है, इन्हें भी रिकवर करना होता है, ये भी स्टॉल आपको कम से कम प्राइस में दे रहे होते हैं यहाँ पर। अच्छा, कहने को तो ये फूड इवेंट था एक, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की वैरायटी थी। मतलब अबाये तो काफ़ी ज़्यादा लगे थे, हर दूसरे स्टॉल पे ना अबाये लगे हुए थे। और मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ जो स्टॉल थे वो सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं थे, बल्कि इंडियंस के थे, मोरक्कन्स के थे, जमैकन्स के थे, और जो टर्किश लोग हैं इनके काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे और रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें बेच रहे थे यहाँ पर। सो इट्स अ गुड थिंग कि सिर्फ यहाँ पे हम पाकिस्तानी ही नहीं थे, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पे अंडर वन प्लेटफॉर्म जमा थी और अपने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से। जनाब ये तीन पैक हमें इन्होंने फ्री दिए हैं, एक्सपायरी भी पड़ ले 25-25 में, भाई पुराने नहीं दिए उन्होंने। और जनाब मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की सक्सेस का राज होता है। वैसे तो यहाँ पे शान के स्टॉल पे ये एक एक सैंपल दे रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा मेरे हाथ में कैमरा, तो मुझे उन्होंने एक के बजाय तीन सैंपल्स दे दिए कि भाई ये यूट्यूबर है तो कहीं ना कहीं जाके हमारा अपने चैनल पे ज़रूर नाम लेगी। वैसे तो शान को पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर कोई नहीं भी जानता तो वो ज़रूर जान जाए। लेकिन इन कंपनीज़ को देख के पता चलता है कि मार्केटिंग आपको हमेशा सपोर्ट करती है और हमेशा आपको ये चाहिए होती है, इसके बिना आपका बिज़नेस ग्रो नहीं होता। और जनाब अंदर कोई एक डेढ़ घंटा घूमने के बावजूद स्टॉल्स नहीं ख़त्म होकर दे रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि बाहर जाया जाए, और असल पार्टी तो बाहर लगी हुई थी यहाँ पर। सो जनाब यहाँ देखें एक मजमा जमा है, वही कोई मुफ्त का नहीं खा रहे, सब अपने पैसों का लेके खा रहे हैं। अंदर जो थी वो एक्चुअली सैंपल्स लगे हुए थे सारे, और यहाँ पे एक्चुअली कुकिंग हो रही, जितनी भी स्टफ है ना कुकिंग वाला वो यहाँ पर लगा हुआ है। मिस्टर फ्राइज पे 20% ऑफ है, नाइल को फ्राइज चाहिए थे, नाइल वी गोना गेट दिस वन फ्राइज। सो जनाब सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं म्यू जापानीज फ्यूजन, और इस फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सारे फूड हलाल है, चाहे आप जैपनीज़ देख लें, चाइनीज़ देख लें, टर्किश देख लें, या आप कैरेबियन फूड्स देख लें, सब हलाल है यहाँ पर। और ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हलाल। अच्छा, जब हमारा प्लान है कि हमने यहाँ से बस एक चीज़ ट्राई करनी है और एक ही लेना है, मतलब ना पैक क्या लें, आप क्या कहते हैं, एक क्या कहेंगे, एक मील लेंगे करेक्शन, एक मील हमने यहाँ से लेना है, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करने का प्लान किया है। सो ज़्यादा कुछ ज़ाहिर सी बातें इंसान है नहीं खा सकेंगे, तो थोड़ा 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 सब जगह से चखेंगे ज़रूर। यस, yes. प्लेन राइस, यस। और जनाब अब ये बच्चों का फूड सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे मैं लाइन में लगी थी चिप्स लेने के लिए, और कोई आधा घंटा मैं इस लाइन में लगे रहे, मतलब नंबर नहीं आके दे रहा। सबसे बड़ी मुझे मिसमैनेजमेंट जो यहाँ लग रही थी, स्टॉल्स पे रश बहुत ज़्यादा था, स्टाफ बहुत कम था और बहुत सुस्त स्टाफ था, अल्लाह माफ़ करे। और जनाब आधे घंटे के स्ट्रगल का ये नतीजा निकला था, मुझे तो खैर समझ ही नहीं आया ये फ्राइज, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत अच्छे लगे और इतना ज़्यादा इस बंदी ने कैचअप डाला था, जगह जगह वो ड्रिप करता जा रहा था। और जनाब जैपनीज राइस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसमें जैपनीज था क्या, क्योंकि मुझे तो खाने में चाइनीज़ ही फील हो रहा था। अब पता नहीं उसने पागल बनाया या बाकी ये जैपनीज था, ये अल्लाह जानता है। Coloring it how I want it to be.
वैसे हमारे लोग कहीं भी चले जाएं ना, अपनी निशानियां जरूर छोड़ के जाते हैं, बता के जरूर जाते हैं कि हम पाकिस्तानी वहां से बैठ के गए, उठ के गए। यहां पे हर स्टॉल के बाद एक बिन इंस्टॉल था, उसके अलावा जितने भी बेंचेस लगी थी, हर 2 से 3 बेंच छोड़ के ना बिन लगे थे लोगों के, लेकिन जान जाती कि खा के अपनी चीजें डिस्पोज ऑफ कर दें, वो वहीं फेंक के चले जाते हैं, दूसरा आके बैठ रहा है गंदगी मिची हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग अपने घरों में कैसे रह लेते हैं। मतलब आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे बिन्स, ऑल्दो कुछ बिन्स मुंह तक भर गए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थे जो खाली पड़े हुए थे, लेकिन लोगों का दम निकलता है 4 कदम जाते हुए चीज़ों को बिन करते हुए। और याद रखिएगा, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान जाके, इंडिया जाके अपने आप को बड़ा हाईली सिविलाइज साबित कर रहे थे, बहुत सूटेड बूटेड रहते हैं कि जैसे इनसे अच्छा और इनसे साफ सुथरा तो दुनिया में है ही कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं फूड प्राइस की बात करूं तो मेरी लिहाज से ये फूड काफ़ी एक्सपेंसिव था। लाइक दिस वाज ओनली 1 कबाब जो ये दे रही थी एक बॉक्स में रख के, इट वाज फॉर 10 पाउंड। इवन दिस स्मॉल पिज्ज़ा जो कि 12 इंचज भी शायद पूरा नहीं था, ये भी 10 पाउंड का था। फूड की क्वालिटी भी हिट एंड मिस थी, कुछ बहुत अच्छा था खाने में, कुछ काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा था कि आप सोचने मजबूर हो जाएं कि आपने क्या सोच के इसको लिया था। और स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी स्टॉल्स के ऊपर, मतलब क्यू बहुत लंबी थी, सर्व करने वाले 2 से 3 लोग थे, मतलब एक एक क्यू में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट आपने लगना ही लगना था, चाहे आपने एक मतलब सिंपल सा एक बॉक्स लेना फ्रेंच फ्राइज का। अच्छा, अभी ये इवेंट लंदन में होने वाला है इन सितंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, आप डेट्स गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन यू विल लाइक द सेंस ऑफ कम्युनिटी, यू विल लाइक द वाइब्स ऑफ दिस यू नो इवेंट, एक अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ से। अच्छा, यहाँ बच्चों के लिए फन फेयर भी लगा हुआ था, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वो लगा हुआ है, जब मैंने देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी और वो क्लोज हो चुका था। और जना पहले तो नाइन ने यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दिया कि मैंने उसका फन फेयर मिस कराया आइसक्रीम के चक्कर में, लेकिन फिर मैंने उसे प्रॉमिस किया कि भाई जो नियर बाय पार्क में फन फेयर लगे मैं आपको उसमें ज़रूर लेके जाऊँगी। अच्छा, यूके में जब भी समर्स वेकेशन आती ना तो यहाँ पे नियर बाय पार्क में ज़रूर आपके ना फन फेयर लगते हैं। अगर आप यूके में नए और आपके साथ बच्चे मौजूद हैं तो आप ज़रूर अपने बच्चों को ऐसे फन फेयर्स में लेके जाएं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, पाउंड पाउंड की राइड होती है, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं जगहों पर जाकर। और अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे हम बच्चों को ही लेके आए थे अपने, क्योंकि अब की बार हम वेकेशन पे ना पाकिस्तान गए ना किसी और कंट्री घूमने गए, तो हमने कहा चलो यार जो विद इन सिटीज इवेंट्स हो रहे हैं वो जरूर अटेंड करें ताकि बच्चे हमारे जाएं, जरा उनका मूड चेंज हो, माहौल चेंज हो जरा, क्योंकि बंदा घर बैठ बैठ के भी सिक होने लगता है एक वक्त के बाद। और जनाब अभी को 7:30 बजे के वक्त और हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे, इवेंट में थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट थी, थोड़ी सी प्राइसेस हाई थी, बट स्टिल आई लाइक इट, मुझे मज़ा आया जाके, बच्चों को भी अच्छा लगा, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस है मेरे लिए ये एक। चलें जनाब, आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, और आप भी अपने बच्चों को जरूर लेके जाया करें इस तरह के इवेंट्स पे, थोड़े से पैसे जरूर लगते हैं लेकिन बच्चों की जो खुशी होती है वो बड़ी प्राइसलेस होती है। और दुआ कर अल्लाह हम सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।